हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बादली से उम्मीदवार ओपी धनखड़ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों किसान नेताओं की खूब जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों किसान नेताओं का माजरी गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने मीडिया से भी बात की और हरियाणा प्रदेश में विकास के मुद्दे पर घेरने वाले विपक्ष को करारा जवाब दिया। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में बादली समेत पूरे हरियाणा में नॉनस्टॉप विकास हुआ है। बादली वालों से पूछ लेंदे, वहाँ तहसील थी, वहाँ सब डिविजन था, फार्म कहाँ भरने आए थे? पहला सवाल दीपेंद्र से ये करते, फार्म कहाँ भरने आए थे और 14 से पहले फार्म कहाँ भरा जाता था, यही सवाल बता देता। और KMP पर से आए थे क्या, ये भी पूछ लेते। और जो है ये जो बादली की बाईपास बनी हुई है, थोड़ी देर में जब सिटी लगेगी ऑर्बिटर ट्रेन की, भाई साहब हर्रे फिर्रे जो इनके सवाल आप सीधे पूछा रहो, क्योंकि भाई साहब इससे पहले जब आप लोग फार्म भरवाने आते थे तो कहाँ आते थे, आपको बादली आना पड़ा फार्म भरने, ये किसकी देन है? वही पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ की और ओपी धनखड़ के पक्ष में वोट की अपील की। के आज ओम प्रकाश धनखड़ जी बादली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है। अगर स्वामीनाथन का नाम कहीं जमीन तक आया है तो धनखड़ साहब का बहुत बड़ा है। जब कृषि मंत्री थे हरियाणा के, तो देश की भी जो किसानों के लिए पॉलिसी बनती थी, धनखड़ साहब का विशेष योगदान उसमें भी रहता था। तो बड़े नेता आज उन्हीं के क्षेत्र में परिवार के लोगों के बीच में आए हैं कि भाई धनखड़ साहब को एक बार फिर यहाँ से विधायक के रूप में चुना जाए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसे लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस या JJP या INLO या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां मैदान में हैं, जिसमें कुछ पार्टियां गठबंधन कर मैदान में हैं तो कुछ पार्टियां अकेले चुनावी ताल ठोक रही हैं। अब देखना ये है कि इस चुनाव में जनता किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। सूर्य समाचार के लिए झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बादली से उम्मीदवार ओपी धनखड़ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों किसान नेताओं की खूब जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों किसान नेताओं का माजरी गाँव में पहुँचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने मीडिया से भी बात की और हरियाणा प्रदेश में विकास के मुद्दे पर घेरने वाले विपक्ष को करारा जवाब दिया। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में बादली समेत पूरे हरियाणा में नॉनस्टॉप विकास हुआ है। बादली वालों से पूछ लेंदे, वहाँ तहसील थी, वहाँ सब डिविजन था, फार्म कहाँ भरने आए थे? पहला सवाल दीपेंद्र से ये करते, फार्म कहाँ भरने आए थे और 14 से पहले फार्म कहाँ भरा जाता था, यही सवाल बता देता। और KMP पर से आए थे क्या, ये भी पूछ लेते। और जो है ये जो बादली की बाईपास बनी हुई है, थोड़ी देर में जब सिटी लगेगी ऑर्बिटर ट्रेन की, भाई साहब हर्रे फिर्रे जो इनके सवाल आप सीधे पूछा रहो, क्योंकि भाई साहब इससे पहले जब आप लोग फार्म भरवाने आते थे तो कहाँ आते थे, आपको बादली आना पड़ा फार्म भरने, ये किसकी देन है? वही पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ की और ओपी धनखड़ के पक्ष में वोट की अपील की। के आज ओम प्रकाश धनखड़ जी बादली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है। अगर स्वामीनाथन का नाम कहीं जमीन तक आया तो धनखड़ साहब का बहुत बड़ा है। जब कृषि मंत्री थे हरियाणा के, तो देश की भी जो किसानों के लिए पॉलिसी बनती थी, धनखड़ साहब का विशेष योगदान उसमें भी रहता था। तो बड़े नेता आज उन्हीं के क्षेत्र में परिवार के लोगों के बीच में आए हैं कि भाई धनखड़ साहब को एक बार फिर यहाँ से विधायक के रूप में चुना जाए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसे लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस या JJP या INLO या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां मैदान में हैं, जिसमें कुछ पार्टियां गठबंधन कर मैदान में हैं तो कुछ पार्टियां अकेले चुनावी ताल ठोक रही हैं। अब देखना ये है कि इस चुनाव में जनता किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। सूर्य समाचार के लिए झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।